केयर फाउंडेशन द्वारा आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में जरूरतमंद लोगों को बांटा गया भोजन। साथ ही साथ सैनिटाइजर, मास्क, समोसे, जूस आदि भी बांटे जा रहे हैं। दिल्ली सहित पूरे भारत में कोरोना के कारण मजदूरों और गरीब परिवारों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में लगभग एक महीने से लॉकडाउन के कारण लोगों का कामकाज बंद पड़ा है और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने अपना रोजगार भी गंवा दिया है, जिस कारण लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए परेशान होना पड़ता है। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आकर इन गरीब मजदूरों की मदद कर रही है। इसी कड़ी में आज आजादपुर मंडी में सिमरन केयर फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन, फल, जूस, सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए, जिसमें दिल्ली पुलिस का भी काफी योगदान रहा। दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर आते हुए भी नजर आए। इस संस्था द्वारा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को भोजन, सैनिटाइजर, मास्क दिए गए। साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन करने का निवेदन किया गया। यह संस्था करीब 1.5 साल से जरूरतमंद लोगों की इसी तरह से लगातार सेवा कर रही है। आज भी इस संस्था द्वारा लगभग 400 से 500 जरूरतमंदों, मजदूरों और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। नाम है मेरा। अरविंद जी, आप एपीएमसी के साथ में आए हैं, यहाँ सेवा भाव खाने वितरण कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग जैसे कि सैनिटाइजर है और कोल्ड ड्रिंक है, आपके पानी की सेवा है, आपके समोसे हैं, ब्रेड हैं और यहाँ पे सैनिटाइजर सबको करवाया जा रहा है। उसके बाद सबको लंगर प्रोवाइड किया जा रहा है और चावल की सेवा भी आई है यहाँ पे। और पिछले काफ़ी सालों से जो है, काफ़ी टाइम से जो है, हम लोग सेवा कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी जो है सबसे बड़ी जो है वो बड़ी भावना है, और वो सेवा भावना, लंगर की भावना जो है सबसे बड़ी है, जो एक पंजाबियों में, सिखों में जो देखी जाती है। और सिख परिवार जो है सबसे ज़्यादा जो है वो लंगर भावना की सेवा जो है हमेशा सिख परिवार ने सबसे पहले चालू की थी। और वो जो है गुरुद्वारों में आप देखते होंगे जैसे कि 24 घंटे लंगर चलता रहता है, तो यहाँ पे भी जो है लंगर की सेवा इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, उनके लिए जो है ये सेवा जो है चल रही है। दिल्ली पुलिस का किस तरह से आप लोग का सहयोग मिल रहा है? दिल्ली पुलिस का सहयोग तो काफ़ी अच्छा है हम लोगों को, और दिल्ली पुलिस का सहयोग जो है, हमें दिल्ली पुलिस ने सहयोग काफ़ी अच्छा दिया है और दिल्ली पुलिस हमारा यहाँ पे भी काफ़ी साथ दे रही है लंगर बांटने में। और हम आगे भी चाहेंगे कि ऊपर वाले की कृपा से सिमरन फाउंडेशन और की ओर से हमेशा इसी तरीके से सेवा चलती रहे आगे भी, और हमेशा भगवान जो है सिमरन फाउंडेशन को, वाहेगुरु जी जो है सिमरन फाउंडेशन को हमेशा चढ़ती कला बख्शे। हेलो सर, क्या नाम है? संदीप पंडे वाले। मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आज आए हमारी यहाँ सेवा के, आप जो वीडियो लाइव दे रहे हैं। सेवा भाव में क्या है, यहाँ खाना वितरण क्या क्या सेवा भाव कर रहे हैं आप? आज हम यहाँ सेवा के अंदर आपके मजदूर भाइयों के लिए खाना है, समोसे हैं, ब्रेड्स हैं और आपके जूसेस वगैरह हैं, बिस्किट्स हैं, खाने के पैकेट्स हैं और मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, ये चीज़ें आज हम वितरण कर रहे हैं यहाँ पर। कितने लोगों का कर रहे हैं हम यहाँ? 400-500 से बंदों का खाना है, बाकी सैनिटाइजर वगैरह हैं, 500 सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं यहाँ पे 4 से 5 हज़ार। कब से आप लोग स्टार्ट किए? ये 1.5 साल करीब हमें हो गया है, जब से कोविड का, जब से चल रहा है, जब से ही हम इसमें लगे हुए हैं। आज यहाँ लमसम कितने लोगों को आपने आज सेवा किए और आगे कब तक करते रहेंगे? जब तक ज़रूरत पड़ती रहेगी, जब तक हम करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम है, सिमरन जी हैं, कोहली साहब जी हैं, हमारे सारे भाई हैं, जितने सब मिलकर हम यहाँ काम कर रहे हैं, और आप जैसे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जहाँ जहाँ हमें मिलती रहेगी खबर हम वहाँ वहाँ पहुँचाते रहेंगे। ये क्राइम मैम, क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम तजिंदर कौर है जी, और हमारी फाउंडेशन का नाम है सिमरन केयर फाउंडेशन। मैम, आज यहाँ एपीएमसी के अंदर आके अपने खाने के, कितने लोगों के क्या क्या? यहाँ पर आज 300 से 400 लोगों के लिए खाना लाया गया है, लंगर बनवा के गुरुद्वारे से भी हमने हेल्प लेके, उनसे भी अपने सारे सेवादारों के हेल्प से लंगर सुबह से बन रहा था और अभी यहाँ पर पहुँचाया गया है थोड़ी देर पहले, जिसमें राजमा चावल, छोले चावल, समोसे हैं, ब्रेड है, चिप्स है, बिस्किट हैं, जूसेज हैं, कोल्ड ड्रिंक है,
जो जो चीज़ अवेलेबल हम करा सकते हैं वो हम सबके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या नियंत्रण डेली बाई डेली करा रहे हैं कि आज के ही दिन करा रहे हैं? नहीं जी, हमारा लंगर रोज चल रहा है, जब से ये कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई डेली ही चल रहा है। कोविड पेशेंट के घर भी हम लोग लंगर पहुँचा कर आते हैं डब्बों में पैक करके, और लंगर की सेवा हमारी डेली चल रही है। कभी तिलक नगर चल रही है, कभी चांद नगर, कभी विष्णु गार्डन। आज हमारा यहाँ पर लंगर का ये प्रोग्राम था।